और पंचकुला में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी सुशील गर्ग ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर पंचकुला की सेक्टर 11 की मार्केट में डोर टू डोर प्रचार किया है, जिसमें उनको लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। पंचकुला उम्मीदवार सुशील गर्ग ने बताया है कि उनको लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, लोग अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं। देखिए, जिस ढंग से समर्थन हमें मिल रहा है, हमें उम्मीद नहीं थी पहले इतने। चाहे किसी वार्ड में जाएं, सेक्टर में जाएं, किसी गांव में जाएं, कॉलोनी में जाएं, लोग उम्मीद की नज़रों से जननायक जनता पार्टी को, हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी को और हमारे जो इसमें पार्टनर हैं आगे, जो जिनके साथ गठबंधन है, चंद्रशेखर जी को, जो आज़ाद समाज पार्टी है, बड़े उत्साह से देख रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि दो युवाओं की जोड़ी है और प्रदेश में बड़ा अच्छा काम करेगी, आगे आएगी तब। और लोग, जैसा मैंने कहा, उम्मीद देख रहे हैं। और जहाँ तक पंचकुला की बात है, पार्टी ने जो सुशील गर्ग जी हमारे उम्मीदवार उतारे हैं, अच्छे जांचे परखे उम्मीद। लोग एक ही बात कहते हैं कि उनको देख लिया, आपको देखेंगे। अब पुराने व्यक्तियों को देख चुके हैं, नया चाहिए, तो नए के लिए मैं बीच में आया हूँ, पब्लिक के बीच में, और पब्लिक मुझे पूरा आशीर्वाद दे रही है। पंचकुला तो समस्याओं का घर है। पीछे भी हमारे विधायक जी कहते रहे कि मैंने 5,000 करोड़ रुपया खर्च करके इस पंचकुला को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है, लेकिन हमें तो जगह जगह समस्याएं नज़र आ रही हैं। कहीं भी पंचकुला मतलब है साफ सुथरा, यहाँ देख लो कितनी झाड़ियाँ झंखाड़ खड़े हैं, कोई रोड वे कहीं कुछ नहीं है। पंचकुला के गड्ढों से भरी पड़ी है सड़कें सारी की सारी, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पानी में बह जाता है पंचकुला।